स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण अक्षर बार बार आए। तो अब हम तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं बच्चों और सहपाठियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और नई वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार, और आज हम पढ़ेंगे अगला अलंकार यानी कि श्लेष अलंकार। लेकिन उससे पहले पढ़ रहे हैं आपके कमेंट, और कमेंट में जो आपने लिखे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो किसी का पहला कमेंट है कि सर ये जो अलंकार है इनमें किस प्रकार के अलंकारों का वर्णन हुआ है। जैसे कि आपका पहला अलंकार देखें वो है खग कुल 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 सा बोल रहा है। अजीब है ना, एक किसी ने कहा अनुप्रास अलंकार है, किसी ने कहा है यमक अलंकार है, किसी ने तो कुछ भी नहीं कहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं उस पंक्ति को क्या है। वो खग कुल 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 सा बोल रहा है, अच्छी पंक्ति है, इसमें कोई दोहराव नहीं है। कवि जयशंकर प्रसाद की लिखी रचना है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। देखें इसमें कौन सा अलंकार होना चाहिए, क्या अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, क्या यमक अलंकार होना चाहिए। अब देखिए हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है और यमक को भी पढ़ लिया है, तो क्या था वहां किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्तियां बार बार आ रहा था, वर्ण यानी अक्षर। तो यहाँ देखा का अक्षर बार बार आ रहा है, इसीलिए शायद मेरे विद्यार्थी मेरे बच्चों परेशान हो गए। जाहिर सी बात परेशानी की, क्योंकि का आ रहा ना कु कु कु। लेकिन मैंने पहले कहा था कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, थोड़ा उसे समझें गहराई से, अगर इस तरह से चलेगा तो भाई कैसे कर पाएंगे आप में? सारे कंफ्यूज चंद दूर रखिए आप अपने अपने। देखिए क्या होता है कि ये वर्ण तो आपने देख लिया यानी अक्षर, लेकिन शब्द पर गौर नहीं करा है ना, इसलिए आप परेशान हुआ। वहां क्या होता है अनुप्रास अलंकार में, कोई वर्ण जो पहला मतलब शब्द जो होते हैं उस पंक्ति में, वो एक ही वर्ण पहला जो होता है एक वर्ण होता है, लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं भले वो एक ही वर्ण से शुरू हुआ हो। जैसे मैं बात करूं पल पल, ये देखिए पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ऐसा लिखा है प्रकृति वेश, ठीक है। इस पंक्ति में देखिए पल पल तो आया है दो बार ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पा, अब वो जो वर्ण जो पहले आ रहा था पा, फिर वो ही पा आया लेकिन शब्द बदल गया। अब वो पा किससे बन, पा से बना कौन सा नया शब्द, वो है परिवर्तित। फिर देखिए पा फिर आया फिर प्रकृति, तो यहाँ शब्द बदल गए ना, वाले वर्ण जो है या अक्षर जो है उसी अक्षर से बने अलग अलग टाइप के शब्द यहाँ आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कहाँ आएगा, देखो कुल एक ही है फिर कुल है, तो अंतर हुआ ना। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से आप गौर करें, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण लेकिन उस वर्ण से डिफरेंस डिफरेंस टाइप्स के या अलग अलग भिन्न भिन्न शब्द होने चाहिए, वो वर्ण उसी वर्ण से शुरू हो रहा हो, बस इतना अंतर रखना, ठीक है। अब आगे आप अब बात करते हैं खग कुल, अब समझ ही गए होंगे इसमें यमक अलंकार है, तो कैसे देख खग कुल, एक तो खग कुल ये अलग शब्द है, एक वाला कुल जो है वो खग के साथ जाएगा, और एक कुल कुल ये एक अलग शब्द है, इनके दो भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ निकलेंगे। वो कैसे देखिए, ये खग खग यानी पक्षी, तो इधर होगा पक्षियों का कुल, कुल क्या होता है समूह, कुल को समूह बोलते हैं, तो पक्षियों का समूह, तो एक तो ये, दूसरे कुल कुल या वो मात्रा छोटी होगी लग गई ना, इसलिए वो कुल कुल है लेकिन वो कभी उसने ऐसे बदल दिया, वैसे है कल कल, कल कल शब्द है वो कल कल से बना है, कल कल यानी होता है पक्षियों का चहचहाना। अब कवि ने अपनी कविता को अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या थोड़ा हेर फेर कर ली, वो तो हर कवि करता है, थोड़ा ले एक साथ बोला जाए इसलिए वो करना पड़ता है। कुल कुल तो कल कल से बना है, कुल कुल इसका अर्थ होता है पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का कलरव, कलरव कोई चहचहाना बोलते हैं,
तो अब आप समझ गए होंगे, यानी पक्षियों का समूह कुल कुल कलरव चहचहा रहा है, बोल रहा है, चहचहा कर बोल रहा है। और इसका अर्थ तो आप समय पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति हमारी, हमारा जो नेचर जो प्रकृति है वो बार बार अपना वेश यानी रूप बदलती रहती है, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग और बरसात में अलग। तो उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। दूसरा था कि वो मन का डार की मन का फेर, मन का उसमें तो सिंपल सी बात है, कौन सा अलंकार होगा, यमक है। मन का और मन का के दो अर्थ निकालते हैं। पहला मन का जो होता है वो माला में मोती जो होता है रुद्राक्ष जिसे बोलते हैं रुद्राक्ष, और दूसरा मन का अंदर का हृदय का, इसलिए इसके भी दो अर्थ निकल गया। और एक बार तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं, बेर के भी अर्थ हैं, बेर एक फल होता है, बेर अभी मौसम है सर्दियों का खाते होंगे, और एक बेर का अर्थ होता है समय। तो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं, पहले जब रानियां थी तो तीन टाइम खाती थी, तीन समय में उनका भोजन होता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई, कवि ने वर्णन किया है कि वो जंगलों में घूम रही हैं, सिर्फ तीन बेर के फलों से काम चला रही है। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपने कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स किए थे उन समस्याओं का सॉल्यूशन मिल गया होगा। यदि नहीं मिला तो आप इसी तरह कमेंट्स करते चाहिए और हम आपकी समस्या का समाधान करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा को। तो आप पेन और कॉपी ले लीजिए और प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। प्रश्न है श्लेष अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। तो हमेशा की तरह हम आज ऑपरेशन फिर करेंगे श्लेष का, तो चलिए बोर्ड पर देखिए। शब्द है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। जी हाँ, कैसे, क्या चिपका है, किससे चिपका है, सही बात है ना। तो देखिए कि जब लेख कवि की पंक्ति में ऐसा कोई शब्द आएगा जिसके एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक अर्थ चिपके होंगे, तो हम बोल देते हैं जिससे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो निकलते को बोलते हैं चिपका हुआ। माने एक ही शब्द का प्रयोग किया गया होगा लेकिन उसका अर्थ जो है एक नहीं दो नहीं कितने हो सकते हैं, एक से ज्यादा तो होना ही होना, ठीक है, तो उसे बोलते, इसलिए इसका नाम पड़ा है श्लेष अलंकार। अब आप लिखें श्लेष का अर्थ है चिपकना या चिपका हुआ। काव्य में जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उम्मीद है आपने उत्तर लिख लिया होगा। अब हम जानेंगे कुछ उदाहरण। तो आइए अब हम श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। उम्मीद है आप उदाहरणों को नोट करते जा रहा है क्योंकि नए नए उदाहरण आपको देखने को मिल रहे होंगे, उन्हें लिखते जाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वो देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, है ना, ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये एक शब्द यहाँ ऐसा जिसके अनेक अर्थ निकालते हैं, तो वो कौन सा, अब आप ये कैसे पहचाने, देखिए वो शब्द बार बार ये बता रहा हूं कि जो काम करने करता होते हैं ना, जिसे वो कर रहे हैं वो शब्द निकलेगा, करने वाला कर्म, ठीक है, उस पर ही जोर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जे सारे क्या करता, कवि व्यभिचारी चोर, कवि कविता लिखने वाला, व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है जहाँ जो दुराचारी व्यक्ति होता है, ठीक है, कामवासी व्यक्ति, कामना से युक्त है उसे बोलते हैं व्यभिचारी, चोर तो समझ ही गए। तो वो है सुवर्ण, वो शब्द है सुवर्ण, ठीक है, इसके तीन अर्थ निकालते हैं, तीन नाम है कवि व्यभिचारी चोर। अब तीन अपने अपने नजरिए से उसे देख रहे हैं, देखिए कैसे सुवर्ण होता है, सुवर्ण, वर्ण यानी अक्षर, सु यानी अच्छा सुंदर अक्षर, ठीक है, सुवर्ण। तो अक्षर कौन ढूंढेगा, सुंदर सुंदर कवि, क्योंकि उसे अपनी कविता में लिखना है, ठीक है, तो एक तो ये हुआ सुवर्ण का अर्थ अच्छे या सुंदर अक्षर, वर्ण। अगला है व्यभिचारी, एक सुवर्ण का अर्थ ये भी निकलता है सुंदरी, ठीक है, जो बहुत ही सुंदर स्त्री है उसे, तो अब सुंदर स्त्री कौन पसंद करेगा भाई, व्यभिचारी, जो दुराचारी है, जो कामनाओं से युक्त है वो, तो वो व्यभिचारी सुवर्ण, एक सुंदरी। और अगला है सुवर्ण, सुवर्ण किसका पर्यायवाची है, सोने, सोना का भी, गोल्ड जिसे बोलते, ऐसा वाला सोना नहीं, गोल्ड, तो चोर, चोर उसे चुराने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ढूंढते हैं कवि। अब कवि का नजरिया अलग, अच्छे अक्षरों के लिए सुवर्ण, अच्छे अक्षर ढूंढेगा अपनी कविता लिखने के लिए, व्यभिचारी सुंदर स्त्री ढूंढेगा